हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूनी सिंह और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता। सुबह हो या शाम, बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या फिर कहीं सफ़र में जाना हो, तो आप इस तरह से नाश्ता बनाकर सफ़र में ले जा सकते हैं। और ये नाश्ता बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे आटे से बनाए हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है और घर के ही चीज़ों से बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं या फिर अचार के साथ भी खा सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने, इसके लिए हमने लिए हैं 2 कटोरी आटा, ये लगभग 1/2 kg आटा है। अब हम एक प्याज को चॉकर में बारीक चॉक कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्याज को हमने बारीक चॉक कर लिए हैं, अब हम इसे आटे में मिलाएंगे। अब हमने बारीक धनिया के पत्ते चॉक कर लिए हैं, इसे भी हम आटे में ही डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को भी हमने बारीक चॉक कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच मंगरेला और 1/2 चम्मच ही डालेंगे हम हल्दी पाउडर। थोड़ी से डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से आटे में मिलाएंगे, हाथों से ही बढ़िया से मिला लेंगे हम इसे और एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। आटे को हम नॉर्मल पानी से ही गूंथेंगे, थोड़े थोड़े करके हम इसमें डालेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं डालनी है, थोड़े थोड़े करके ही हमें पानी डालनी है। डो बनाकर आपको रेस्ट के लिए रखनी है तो रखिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए। ये देखिए हमने डो बना लिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट डो बने हैं। अब हम इसके लोई बनाएंगे, जिस तरह से रोटी का लोई होता है ना, उससे थोड़े से बड़े। और हम इसे रोटी की तरह पतले नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी उसकी लेयर थोड़ी मोटी होनी चाहिए, तभी पराठे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। अब हम सूखे आटे से थोड़े से परथन लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। आप चाहे तो पूरी की तरह छोटे छोटे बनाकर फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे पराठे के शेप में भी बना सकते हैं। किसी तरह से भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए इसकी इतनी लेयर होनी चाहिए, ज़्यादा पतला हमें नहीं बनाना है। अब हम गैस पर तवा रखेंगे, तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए, आँच को मीडियम टू लो ही रखेंगे। पराठे को हम तवे पर डालेंगे और एक तरफ जब थोड़े से पक जाए तो हम दूसरी तरफ पलट देंगे और इस तरह से रिफाइन लगा कर बढ़िया सी से कलछल से दबा दबा कर बढ़िया से पकाएंगे। और इसी तरह से हम सारे पराठे बनाएंगे। आप इसे बच्चे के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे ही बहुत ही शौक से खाते हैं। और ये रेसिपी आटे से बनी है तो हेल्दी भी है। अगर घर में सब्जी ना हो तो इस तरह से पराठे बनाकर खाइए। आप चाय के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, टमाटो सॉस के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं और अचार के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी थी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।